नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपंकर रॉय और आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रिशियन दीपंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आपके पास जो स्विंग मशीन का जो आपके पास जो मोटर है, जो जिस मोटर आपने स्विंग मशीन में लगा कर रखा है, इस टाइप का जो मोटर है, कोई भी टाइप का मोटर हो जो इस टाइप का दिखता हो, जैसे छोटा हो बड़ा हो, तो उसका जो बियरिंग होता है, दोनों टाइप दो बियरिंग होता है, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए एक कूलर आपको चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है, तो उसके मदद से हम इस स्विंग मशीन का जो बियरिंग है, इसे हम चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामने का जो पुली है, उसके ऊपर जो नाट लगा हुआ रहता है, उसको आप खोल लेना है। उसके बाद पीछे जो कवर है, इसको भी आपको खोल लेना है। तीनों नाट आपको पहले खोल लेना है, इस तरफ तीनों है, उस तरफ तीन है, तीन तीन छः नाट पहले आप खोल लीजिए। दोस्तों, मैंने तीनों नट खोल ली है और दोनों तरफ जो जहाँ पे आपका कार्बन लगा रहता है, उसे भी आप खोल लेना है। उसके बाद ये जो सामने जो पुली है, ये कभी कभी टाइट हो जाता है, इसको खोलना आसान नहीं होता। तब आपको एक पुलर आपको चाहिए। इस पुलर का कीमत है, बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे, इस टाइप का पुलर आपको लगभग 70 से 80 रुपये मिल जाएगा। मुझे 60 रुपये मिला था। अब ये बहुत दिनों पहले मैंने ख़रीदा था, लॉकडाउन से पहले, तो अब 70 से 80 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पुलर को इस टाइप का लगाना है, देख लीजिए आप पुलर का लगाना तरीका। पुलर के बीचों बीच दो जो गैप दिया हुआ है, उस गैप को आप इस पुली के ऊपर दोनों तरफ देखिए कुछ इस टाइप के, ये देखिए मैंने जैसे लगाया स्टेप लगाने हैं, लगा देना है। उसके बाद जो रॉड है, इस रॉड को उस शैफ्ट के बीचों बीच एक गड्ढा आपको दिखेगा, वहाँ पे फंसा देना है। फंसाने के बाद धीरे धीरे आपको नाट को टाइट करते जाना है, और देखिए ये आसानी से बाहर आ गया, कुछ इस टाइप के आ जाएगा। इस नाट को खोल लेने के बाद ये सामने जो प्लेट है, ये तीनों नाट आपको खोल लेना है। प्लेट खोलने के बाद इसके अंदर से कुछ वाशर निकलेगा, ये देखिए इस टाइप का, आपको रख लेना है साइड में, क्योंकि लगाना समय इसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद जो जहाँ पे आपका कार्बन रहता है, उस पर सोल्डरिंग किया हुआ रहता है, अगर आप पीछे की बियरिंग को चेंज करते हैं, सामने का भी करते हैं पीछे का भी करते हैं, तो इसको आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं होता। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। कार्बन का जो सॉकेट है, इसको आप खोले ना खोले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम एक 8 mm का सॉकेट लेंगे, 8 mm का सॉकेट। 8 mm की सॉकेट की मदद से दोनों तरफ जो नाट होता है, उसको आप खोल लेंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा टाइट नहीं होता है। खोल लिया मैंने, अब स्क्रू ड्राइवर के मदद से थोड़ा सा अंदर स्क्रू ड्राइवर घुसा के बाहर की तरफ पुश करने से यह बाहर आ जाएगा। देखिए आसानी से आ गया है। अब इसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, शेप तो अंदर घुसा हुआ है, तो इसे निकालने के लिए इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा कर लिया मैंने। उल्टा करने के बाद थोड़ा सा पहले ठोकेंगे, ठोकना है हाथोड़ा से नहीं, लकड़ी के मदद से ठोकना है। उसका जो पुली मैंने लिया था, निकाला था, वो पुली भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप चाहे तो कोई भी लोहे का छोटा टुकड़ा जो अंदर घुसता है अच्छी से, वो लेना है। ये देखिए पुली के पुली रख के मैंने हल्का सा हैमर किया और एक निकल आया।
अब इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि जो काम हमारा आर्मेचर में है उसका बियरिंग चेंज करना है। तो बियरिंग को निकालने के लिए ये पुलर हमें फिर से काम में लेना होगा। तो हम सामने का जो बियरिंग है उसको चेंज करेंगे। सामने का बियरिंग लगाने का सिस्टम बिल्कुल सेम ही है जैसे मैंने पुली में लगाया था, उस टाइप के लगाएंगे, बिल्कुल सेम है। इसको थोड़ा छोटा कर लिया और देखिए इस टाइप के लगा लेंगे और इसको फंसा देंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप के। अगर बहुत टाइट लगे तो हथौड़ा से थोड़ा हैमर कीजिए, हल्के से हथौड़ा लकड़ी के मदद से। इसको बिल्कुल सीधा रखिए, शैफ्ट के बराबर, ये जो आपका जो पुलर का जो शैफ्ट है ये बराबर सीधा होना चाहिए, तब ये आसानी से निकल जाएगा, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा ये थोड़ा बाका टेढ़ा है, इसको सीधा करना है पहले। अब लकड़ी के मदद से भी मार सकते हैं, नहीं तो आप छोटा मोटा ये जो पेच है पाना है इसके मदद से मार सकते हैं। अब लकड़ी के मदद से मारे तो अच्छा है। आप धीरे धीरे इसको टाइट करते जाइए, ये जितना सीधा लाएगा फोर्स उतना अच्छा लाएगा। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे अब घुमाइए, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये पुलर बहुत ही काम का है। अगर आप मोटर का रिपेयरिंग करते हैं तो ये पुलर आपके पास होना ही चाहिए। 60-70 रुपये में मिल जाता है, आसानी से निकल गया। इस बियरिंग का नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। इस बियरिंग का नंबर है 608। आप बाज़ार में जाएंगे तो इस बी का नंबर बोलना है आपको, मुझे 608 नंबर वाला एक बियरिंग चाहिए, और आपको ये बियरिंग आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। ये देखिए मैंने बियरिंग ले आया, एक पुराना और एक नया वाला। ये देखिए मैंने सस्ता वाला लिया है, आप चाहे तो महंगा वाला ले सकते हैं। ये मुझे 2500 में मिला है, आपके बाज़ार के हिसाब से भाव ऊपर नीचे हो सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में खरीदने की कोशिश कीजिए, ऑफलाइन पे सस्ता में मिलता है, ऑनलाइन पे इसका भाव बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑनलाइन पे मत जाइए, ऑफलाइन पे कोशिश कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बियरिंग लगाने से पहले जहाँ पे बियरिंग था, ये देखिए दोनों बियरिंग बिल्कुल सेम ही है। बियरिंग लगाने से पहले जहाँ पे बियरिंग था उस तरह फाइल के मदद से घिस लीजिए, सरफेस को क्लीन कर दीजिए, तो बियरिंग घुसने में आसानी होगा। क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा था, पड़ा हुआ था, तो इस पर जंग लग गया है, शैफ्ट के अंदर शैफ्ट के ऊपर जंग लग गया है, तो इसके थोड़ा घिस लेना ही समझदारी होगा, घिस लेना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से लकड़ी के ऊपर रखिए और फाइल से धीरे धीरे घिसते रहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं, सिर्फ ऊपर का जो जंग है वो आपको उतार देना है। आप पेपर की मदद से भी घिस सकते हैं, फाइन पेपर के मार से, नहीं तो आप एक छोटा सा फाइल के मार से भी घिस सकते हैं, ये भी आपके घर में होना चाहिए अगर आप रिपेयरिंग का कुछ भी काम करते हैं तो। ये देखिए आप इसके ऊपर थोड़ा ग्रीस लगा देंगे लुब्रिकेंट के लिए। कोई भी बियरिंग को लगाने से पहले थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेना चाहिए ऑयल या ग्रीस के मदद से, ग्रीस ही अच्छा होता है। ग्रीस लगाने के बाद बियरिंग आसानी से चल जाएगा। देखिए ज़्यादा ठोकिए मत, इसको ठोकने की ज़रूरत भी नहीं है, जब आप मोटर को प्लेस करेंगे अपने आप अपने पोजिशन पर आ जाएगा। आप मोटर के अंदर आर्मेचर को प्लेस करते लगाते हैं, लगाने तरीका बहुत सिंपल है। ये देखिए इस तरह से अंदर जाना चाहिए, इसे रखने के बाद ये देखिए पूरा इस तरफ होना चाहिए, पार हुआ तो बाहर होने का, अगर ठीक से घुसा नहीं वो छेद के अंदर और आपने थोक दिया तो बियरिंग पे चोट आ सकता है, इसलिए पहले देख लीजिए, उसके बाद
हैमान कीजिए, थोड़ा सा हैमानिंग करने से ये अंदर जाए। देखिए थोड़ा सा मैंने हमारा इसके ऊपर प्रेशर दिया हुआ है, अंदर चला गया। बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है बियरिंग चेंज, कोई भी कर सकता है। बियरिंग आप कब चेंज करेंगे, जब आपका मोटर पावर देने के बाद पूरा आपको सप्लाई नहीं देगा, आपको आवाज़ मारेगा, आपको लगेगा कि मोटर फ्री नहीं है, फ्री घूम नहीं रहा, तब आपको बियरिंग को चेंज कर लेना चाहिए। और बियरिंग इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता, आपको मोटर बहुत चलता है, चल रहा है तो बियरिंग ख़राब हो जाता है। अगर धूल मिट्टी ज़्यादा आता है तो चल जाता है। ऊपर जो डस्ट कवर होता है, जो पहले ही उतारा था, उसके कारण भी ये ख़राब होता है। अगर बियरिंग के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता तब ये प्रॉब्लम आता है। तो बियरिंग आसानी से ख़राब होता नहीं है। ये देखिए मैंने आसानी से ये भी लगा दिया, ये बहुत अच्छी से चला गया। अब दोनों जो ATM का बोल्ट है उसको हम लगा देंगे और ये काम बन जाएगा। अब जो मैंने कार्बन को जो बॉक्स था, कार्बन होल्डर, उसको ऊपर मैं सोल्डरिंग करके कनेक्शन कर लेता हूँ। कार्बन होल्डर के अंदर कार्बन भी मैंने प्लेस कर दिया है, ऊपर जो स्प्रिंग है वो भी लगा दिया है। अब कैप लगा लेते हैं। कैप लगाने से पहले ये जो वायर रिंग है, इस रिंग को अंदर डाल लेना है। जहाँ पे जैसा था ऐसा ही लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, गैप के हिसाब से आपको लगाना है। जिस टाइप का आपको गैप मिलेगा ऐसा ही आपको लगाना है। अब टेस्ट कर लेते हैं, हमारा फिटिंग कंप्लीट। अब टेस्ट करने की बारी। टेस्ट करने के लिए हम स्विंग मशीन पैडल लाएंगे। उस पैडल के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, बहुत सारी आपको सवाल भी आए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक संडे के दिन, क्योंकि ये वीडियो संडे में रिलीज होने वाला है, संडे के दिन मैं आपको एक Q&A वीडियो डालने के बारे में सोच रहा हूँ। इस संडे नहीं होगा, अगले संडे मैं कोशिश करूँगा टाइम निकालने की। ये देखिए जो मोटर मैंने चलाया है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो इस सब कार्बन है वहाँ पे लाइट मार रहा है, मतलब कि इसके अंदर फ्लैशिंग हो रहा है। फ्लैशिंग क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी एक वीडियो कम्प्लीट आएगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना वो भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।